स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक बैंकिंग सेक्टर शेयर के बारे में। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा और इस कंपनी की अभी बैंक की एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई है दोस्तों। और पिछले साल में इस क्वार्टर में इन्होंने लॉस बुक किया था और इस क्वार्टर में अभी इन्होंने रिजल्ट पेश किया और उसमें इन्होंने अभी 1779 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और इसी क्वार्टर Q4 2021 में इन्होंने 1047 करोड़ का लॉस बुक किया था पिछले साल। तो इस साल इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, लॉस से निकल के प्रॉफिट किया है जनरेट, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट किया है और वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया है इस कंपनी ने। इस वजह से अभी ये शेयर थोड़ा भाग भी चुका है और देख सकते हो इसका एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल्स ने 130 रुपीज़ का टारगेट दिया है। और देख सकते हो इस कंपनी का पूरा बिजनेस बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा इन वेरियस कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव इंडियन बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज ऑफर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। आप देख सकते हो रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन, डिपॉजिट्स, डेबिट कार्ड, डीमैट सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, रूरल बैंकिंग, एग्री बैंकिंग, तो हर प्रकार के बिजनेस करती है कंपनी। एग्रीकल्चर लोन, लॉकर सर्विस, तो कंपनी जो अभी सभी बैंकिंग बैंक्स ये सब बिजनेस करती है, तो ये कोई अलग बिजनेस नहीं है, यही बिजनेस है। और देख सकते हो EPS अर्निंग अर्निंग पर शेयर, आप देख सकते हो इनका Q4 में डाउन है, 20% तक डाउन चल रहा है दोस्तों। Q3 में 18% बढ़ चुका था, Q2 में 45% बढ़ चुका था, तो EPS थोड़ा सा डाउन है मगर रिजल्ट अच्छे है दोस्तों इनके। और रिजल्ट भी दिखाए, रिवेन्यू इन्होंने जनरेट किया 8200 करोड़ का, नेट इनकम 2000 करोड़, ये बिफोर टैक्स है दोस्तों, टैक्स कटने के बाद का इन्होंने दिखाया 1779 करोड़। और देख सकते हो नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है 287% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट इनकम बढ़ा है 374%, तो अच्छी खासी जंप है इनकी रिजल्ट्स में दोस्तों, तो ये शेयर आगे भाग सकता है। तो ऐसे बैंकिंग सेक्टर पे इस शेयर में अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये PSU स्टॉक है दोस्तों ये, तो ये ज़्यादा भागते नहीं है मगर ये अभी भागेगा क्योंकि अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है कंपनी। अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 51,636 करोड़ और इसका फेस वैल्यू है 2, ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकती है। अभी हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास है 63.97%, 64% प्रमोटर है, 9% FIIs है, 15% DIIs है और 11.8% पब्लिक है दोस्तों। तो शेयर स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, FIIs DIIs ने अच्छी होल्डिंग पकड़ रखी है इसमें। और आप देख सकते हो इन्होंने रिजर्व दिखाए 91,000 करोड़ की और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 51,000 करोड़ है दोस्तों, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा तो रिजर्व दिखाई दे रहे हैं। मगर बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट पढ़ने में अलग अलग ये होती है, ये बहुत सारे इनके कॉज रहते हैं क्योंकि ये डिपॉजिट्स वगैरह इनके पास बहुत रहता है, तो ये भी ऐड कर सकते हैं। ये पता नहीं है अभी बैंकिंग सेक्टर का कुछ उतना ज़्यादा, तो रिजर्व तो दिखा रही है कंपनी, 91,000 के रिजर्व दिखा रही है। और पीयर कंपनियाँ देख सकते हो आप, SBI बैंक, कैनरा बैंक, PNB बैंक, इंडियन IOB बैंक, तो ये सभी PSU कंपनीज है दोस्तों, तो ये सभी PSU कंपनी के साथ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपेयर करोगे तो SBI के बाद इसी का नंबर आता है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का। SBI तो अच्छा खासा भाग चुका है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की बारी है दोस्तों, तो आप इस पे नज़र बना के रख सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और अभी हम आते कंपनी की शेयर प्राइस पे, आप देख सकते हो रिजल्ट के बाद ये शेयर 5% तक बढ़ चुका था और अभी देख सकते हो इसका 52 वीक लो है 72 रुपीज़ और 52 वीक का है 122 रुपीज़, और पिछले 1 मंथ में ये शेयर 12% तक करेक्ट हो चुका है दोस्तों, अच्छी खासी गिरावट है। और आज के दिन ही इसने एक ही कैंडल ऊपर बनाई है, 5% की बढ़त है आज के दिन। और पिछले 6 महीने पहले जिसने भी ये शेयर खरीदा है वो अभी भी 2% की रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, वो अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट में ही है। और ईयर टिल डेट में जिसने खरीदा है वो अभी 20% के प्रॉफिट पे है दोस्तों, इसी ईयर में जनवरी में जिसने भी खरीदा है वो अभी 20% के प्रॉफिट में है, और 1 साल पहले जिसने खरीदा ये शेयर वो अभी 30% पे प्रॉफिट पे है दोस्तों। और 5 साल में देखिए, 5 सालों में इस शेयर ने कुछ भी रिटर्न नहीं बनाया, ये 188 से गिर के ये पूरा 70 रुपीज़ तक आ चुका था और वहाँ से इसने थोड़ी सी रिकवरी कर ली और फिर से गिरावट हो रही थी, अभी अच्छे रिजल्ट पेश किए तो ऊपर जाने के चांसेस है। अभी 5 सालों में ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है 46% की, और मैक्सिमम देखिए अभी तक इस शेयर ने 893% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर के लिए बना के दिए। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म शेयर नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अप डाउन चल रहा है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इसे इन्वेस्ट करके छोटा सा टारगेट रख के निकल सकते हो इस शेयर से। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।